हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि हम कल पहुंच चुके हैं घुड़ियाना, तो आज हम अभी अभी उठे हैं, चाय पी ली और यहाँ पे धूप आ चुकी है बहुत तेज। चलो दिखाता हूँ मैं बाहर कितनी तेज धूप आ रही है यहाँ पे। ये आ गए यहाँ पे सूर्य देवता। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और कार्तिक कर रहा ब्रश। यहाँ पे हो रहा है गर्म पानी, बहुत ठंडा पानी है हो रहा है यहाँ पे। तो अभी चलता हूँ मैं छत में और यहाँ से दिखाता हूँ घोड़ियाना गांव। तू मेरा कोई ना, हम दोनों जिम कर रहे हैं। नमस्कार, और ठीक ठाक? हाँ, आलू साहब बड़ा था का क्या? बड़ा था का आलू सो? ये है घोड़ियाना गांव, ये देखिए। एक ससुर जी यहाँ पे धूप का आनंद ले रहे हैं, चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे हैं। शायद अमित यहाँ पे डिप्स मार रहे हैं। दिल्ली में तो जिम जाता था, रोज जाता था। कितने डिप्स मार दिए है? कितने मार दिए डिप्स? गिनता नहीं हूं मैं। अच्छा, 30 से 30, 35। और संतो ठीक ठाक? 40। अच्छा, और क्या नहीं है? अच्छा, और इधर है सूर्य भगवान। और ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के नीचे है हमारा गांव। अभी क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि धूप नहीं आई इतनी। अरे ऊपर दीवा डांड। तो अभी हमें ऊपर छत में और अमित कर रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज, बहुत एक्सरसाइज कर ली इसने। और अभी हम धूप सेक रहे हैं, बहुत अच्छी धूप आ रही है आज। रामनगर पीरू मदार में तो कल से कोहरा लगने लग गया था और यहाँ बहुत अच्छी धूप आ रही है। क्या हुआ? क्या पहन फिर? नाश्ता बनेगी? नाश्ता नहीं बने। ये चाहिए तेरे को? ले, ये चाहिए नहीं चाहिए? नमस्ते, ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और हम लोगों ने ब्रश ब्रश कर लिया है, फ्रेश हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर अच्छी धूप खिली हुई है आज। और यहाँ पर दीदी भी आज फ्रेश हो चुकी है, कल तो बहुत उल्टी उल्टी हो रही थी लेकिन आज सब लोग फ्रेश हो चुके हैं अच्छे से। और अभी मौसम आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है और सब बच्चे खेल रहे हैं अभी। तो बने रहे ब्लॉग के साथ। एकांश अभी ब्रश कर रहा है सुबह सुबह। ब्रश करो करो ब्रश करो ब्रश। और ये अंशी है, अंशी अंशी इधर देखो, हेलो कर दे। अंशी देखिए अपनी दादी की तरह क्यों कर रही है? एक आंख है अंशी, एक आंख बंद कर रही है, इसको इधर भी धूप ही लग रही है। आजकल तीड़ी है, आज देखो ये कैसे तीड़ रखी है। हमसे हमसे जैसे वो हो रखा है काला, वैसे ये भी काली हो रखी है। यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं ये। बनाएंगे तो खाएंगे।
ये भी हमारे साली है प्रतिमा, तो ये अभी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। कितने बजे स्कूल? साढ़े नौ है। कितने बजे? कितने बजे? अच्छा साढ़े तीन बजे। और परवा छोड़ चल नीच कोते के जतोड़ा की जान से जतोड़ छोड़ के दिन परवा था। अच्छा अरे ये है प्रतिमा पायल चाहे पायल तू है तैयार स्कूल का? तो कुसुम यहाँ पे चाय बना के लिए आई। ये क्या भाप उड़ रहा है चाय से? तो ये अज्जू है यहाँ मेरा साला लगता है वैसे हमारा। तो ये अभी कहाँ जा क्या क्या काम करेगा आज अज्जू है नम दुए ना आज क्या ये अज्जू कौन क्या पहले बना आजकल कोई खाल जाए कुछ काम नहीं है अगले महीने जनवरी में। अच्छा के को शादी को? अच्छा तो आज जो शादी में क्या काम करें? तो टेंट टेंट इस आज का शादी में टेंट का काम है। तो ये पायल को सासू जी तैयार कर रही है स्कूल के लिए। तो कल इनकी छुट्टी नहीं है पर ये फिर भी छुट्टी करेंगे है ना कल इनका के मेले के लिए क्योंकि ये तीन साल में एक बार होता है मेला। वैसे यहाँ स्कूल में भी छुट्टी देनी चाहिए थी। छुट्टी देने चले जाना है ना हर बार छुट्टी देने चले जाना स्कूल में छुट्टी नहीं जाए कह के ना। ये प्रतिभा को तैयार कर दिया उसकी मम्मी। तो सोनू भी तैयार हो रही है स्कूल के लिए और संजना उसको तैयार कर रही है। प्रिंस खेल खेल एक ये पप्पा दे कल फिगल तल पुंगा। तो लाली और कुसुम बना रहे हैं यहाँ सबके लिए ब्रेकफास्ट और एक पराठे बनेंगे आज हैं। हाँ हाँ लाली किसका आज ज्यादा मन कर रहा था पराठे खाने का? मेरे जिया जी का और मैं इनकी वजह से ही बना रही हूँ क्योंकि और लोग भी बोल रहे थे पर मैंने कहा मैं तुम लोगों के लिए नहीं बनाऊंगी सिर्फ जीजा के लिए बनाऊंगी तो ये मेरा किराया देंगे। ऐसे इतने मोटे हो रखे वही तो इतने मोटे हो रखे है हम ऐसे सुखड़े पराठे खा के और मोटे हो रहे हैं और दीदी बैठ रखी है अपनी जगह में बिल्कुल जुराब चप्पल पहन के दीदी अपनी जगह में बैठी है और मैं अपनी जगह में और यहाँ आके मैं ऐसे ऐसे दे लूंगी दीदी वहाँ पर बनाएगी। तो अभी आलू का ये मसाला तो मैंने तैयार कर दिया है अभी आटा गूंथे ही दीदी तो बनाएंगे तो चाय पी ली ना चाय सबने दो दो तीन तीन बार पी ली इसमें लून मर्च तो दिखाई दे ना अभी तो डालूंगी अभी कहाँ डाला है अभी तो बस अब क्यों ना आलू मैश किया है और अभी इसमें मैं प्याज भी काटूंगी और नमक मिर्च सब कुछ डालूंगी। आलू प्याज पराठा है क्योंकि अभी आटा नहीं गूंदा है ना इसलिए मैं इसमें अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर जब आटा गूंदेंगे तब सब डालूंगी मैं तब तो मैं प्याज काट लेती हूँ। ये अलमारी जहाँ घी भरा रहता है घी भरा रहता घी का डिब्बा अब आधा कदा घी कर रहा तुम का बड़ी घी ना सु अब आधा तो हो गया घी बस अब बस ना ये क्या कह रहा है मेरा कह रहा है तो मिले बस के लिए फिरा नहीं बस और क्या करना कर से रहा बस अब मम्मी का बस का नहीं है बहन इतना नहीं से जब दिल्ली जला तब भेजे थे दिल्ली जला वाला दिल के रंगा घूम कहा जा रहे
ये है एकांश। कहाँ जा रहा है एकांश? बैठ। कहाँ जा रहा है? तेरे? छुट्टी बना दे बेटा, पेपर होना चाहिए 40 को। छुट्टी रखी है। हां तो चल पेपर होना चाहिए स्कूल का। तो यहाँ पे प्रिंस के सामने खेलो फुटबॉल। मार मार। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, लाली ने पहले हमें नाश्ता दे दिया। तो कुसुम ने और लाली ने नाश्ता बनाया। मैंने तो नहीं बनाया। नहीं बनाया? कल बनाए संजना बना। तो हाँ, हमने तो पहले खा लिया। और लाली आप कर रही है नाश्ता, ये देखो पराठे। क्योंकि मैंने पहले बनाए और सबको खिलाए, इसलिए मैं अभी लास्ट में कर रही हूँ। संजना कर बने थे पराठे? कर बने, अच्छे बने थे पराठे। बड़े अब हम क्या कहेंगे? घी है उसमें, घी, चटनी। चटनी तो इन दोनों ने खा लिया। ककड़ी घी और मेरे बाल ऐसे हो रखे हैं अभी, और इधर से बहुत तेज धूप लग रही है। हाँ जाओ मेरे पति को दिखाओ। तो आज के ब्लॉग की करते हैं पे द एंड। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।